हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम मार्केट में मिलने वाले ब्रेड क्रम से भी अच्छा घर में ही ब्रेड क्रम बनाएंगे, वो भी बहुत आसान तरीके से। ब्रेड क्रम बनाने के लिए हमें चाहिए ब्रेड। मैंने फ्रेश ब्रेड के 6 स्लाइसेस लिए हैं। आप चाहे तो एक दो दिन पुराना ब्रेड भी ले सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं। ब्रेड क्रम बनाने के लिए सबसे पहले तवा गर्म होने के लिए रख देंगे और डाल देंगे ब्रेड को। और लो फ्लेम में रोस्ट होने देंगे। एक बार पलट लेंगे और दोनों तरफ से उलट पलट कर ब्राउन होने तक रोस्ट कर लेंगे। ब्रेड हमारा दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन हो गया है तो निकाल लेंगे। और इसी तरह से और जो बचा है ब्रेड उसको भी रोस्ट कर लेंगे। सभी ब्रेड को हमने रोस्ट कर लिया है तो इसे थोड़ा सा फैला लेंगे और ठंडा होने देंगे। एक मिनट हो गए है तो एक ग्राइंडर ले लेंगे और ग्राइंड कर लेंगे। ब्रेड हमारा ग्राइंड हो गया है तो इसमें थोड़ा बहुत नमी बचा होगा, उसके लिए एक कढ़ाई गर्म होने के लिए रख देंगे और डाल देंगे ब्रेड को। और कढ़ाई में ना ही घी डालेंगे और ना ही कोई तेल डालेंगे, ऐसे ही रोस्ट कर लेंगे। बीच बीच में चलाते रहेंगे और लो फ्लेम में रोस्ट कर लेंगे। ब्रेड क्रम हमारा रोस्ट हो गया है तो गैस बंद कर लेंगे और एक प्लेट में निकाल लेंगे। ब्रेड क्रम को हमने एक प्लेट में निकाल लिया है तो अब इसे ठंडा होने देंगे। आप इसे एयर टाइट कंटेनर में भर कर कई महीनों तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो आप बनाइए और अपना अनुभव शेयर कीजिए। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।